पद संभालने के बाद ऑफिस में आकर पहली फाइल जो साइन करी है, जो हमने अपने प्रदेश के किसानों को आश्वासन दिया था कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ, ये मैंने पहली फाइल साइन करी है। धान के समर्थन मूल्य के साथ 1750 जो समर्थन मूल्य है उसे बढ़ाकर 2500 रुपये में खरीदने की बात कही थी, तो जो प्रोत्साहन राशि मिला के 2500 रुपये क्विंटल करने का, ये दोनों फैसले हम लोग लिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाते ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री एक्शन में आ गए हैं, जिन कुछ वादों को लेकर विरोधी दल दोनों ही नई नवेली सरकारों को घेरने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने खुद के गठन के बाद एक दिन का भी इंतजार नहीं किया और कुछ महीने भर पहले किए वादों को आमने जामा पहनाने में जुट गए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल शपथ लेते ही फुल फॉर्म में नजर आए और अपनी तमाम बड़ी घोषणाओं पर लगा दी सरकारी मुहर। आइए आपको बताते हैं अब तक क्या कुछ एक्शन ले चुकी हैं दोनों ही प्रदेशों की सरकारें। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया। इस फैसले का फायदा लगभग 30 लाख किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि 28,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए की गई। नए उद्योग लगाने पर उद्योगपतियों को सब्सिडी का ऐलान किया गया। उद्योगों में 70% रोजगार स्थानीय लोगों को देने का फैसला। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश सरकार ने तत्काल किसानों का कर्जा माफ किया। धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति क्विंटल किया। झीरम हमले के शहीदों को न्याय दिलाने के लिए SIT का गठन हुआ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिन बीजेपी सरकारों की जगह कांग्रेस ने ली है, वे अपने आप में खासी लोकप्रिय रही हैं। उनके मुकाबले खुद को 21 साबित करने के लिए दोनों ही सरकारों का ये एक्शन काफी जरूरी भी है। हालांकि अब देखना यह है सरकारों का ये एक्शन मोड कितने दिनों तक जारी रहता है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आलम यह है दोनों ही सरकारों ने तमाम बड़े फैसले लेने के लिए पहली कैबिनेट का इंतजार तक नहीं किया और जुट गए अपने वादों को अमली जामा पहनाने में। जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक्शन मोड बेहद जरूरी भी है, लेकिन यह कब तक और कैसे जारी रहता है यह भी एक बड़ा सवाल है। जी हाँ, यही हमारा आज का विशेष एक्शन में सरकार। चेतन सिंह, कैसे देख रहे हैं आप पहले ही दिन एक्शन मोड में सरकार, और सरकार ने जो बनने के लिए सरकार बनने के लिए कांग्रेस ने जो वादे किए थे उसको पहले दिन से ही निभाना शुरू कर दिया? मुझे उम्मीद है कि बीच में रोकने की टोकने की कोशिश नहीं होगी। निश्चित रूप से नई सरकार है, नई सरकार को मेरी ओर से बहुत हार्दिक बधाई शुभकामना। मैं मेरे कांग्रेस के मित्रों से कहूंगा कि जो आपने वचन पत्र दिया है उसकी एक एक कॉपी अपने जेब में रख करके चलना चालू कर दें, क्योंकि पहला ही आदेश 420 के साथ निकला है। 81 लाख पंजीकृत किसानों में से कितने लोगों का आपने ऋण माफ किया है, आप खुद देखिए, समीक्षा करिए, अभी तो बहुत वक्त है। और आपके आदेश के साथ ही हमारा संघर्ष चालू हो गया। 20 तारीख से भारतीय जनता पार्टी किसानों के सम्मान में फिर से मैदान में चालू हो गई। मेरा कहना है कि जो हम कर सकते हैं वही घोषणा क्यों नहीं करते? आपने पहले तो ये सारी शर्तें नहीं लगाई। अब आप वो किसान जो व्यापारी है उसको नहीं दोगे, वो किसान जो नौकरी में आप उसको नहीं दोगे, वो किसान जिन्होंने 2018 मार्च तक लिया है वहीं तक दोगे, ये किंतु परंतु के साथ आखिर कब तक इस देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे? बहुत मुश्किल से 15 साल के बाद इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस पे लोगों ने मुझे भरोसा किया था, आज वो भरोसा टूट रहा है। मैं तो कहता हूँ बिटियाओं के लिए उन्होंने जो राशि बढ़ाई है अच्छा कदम है, हम स्वागत करते हैं इसका। और मध्य प्रदेश में जितने भी मध्य प्रदेश के हित में, मध्य प्रदेश की जनता के हित में फैसले होंगे, भारतीय जनता पार्टी दबी जवान से नहीं खुली जवान से उनका स्वागत करेगी और सम्मान भी करेगी। वहीं आपने अभी आर्थिक स्थिति की बात की, आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश की ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं, आखिर इन परिस्थितियों में प्रदेश चल रहा था। लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर के मैं जरूर कहना चाहूँगा
जबकि वहां के अगली अगली चर्चा में मैं छत्तीसगढ़ पर आऊंगा, लेकिन अभी तो मध्य प्रदेश पर ही बात कर लेते हैं, इसके बाद फिर छत्तीसगढ़ पे आएंगे। जी चेतन जी, मेरा ऐसा कहना है कि अभी उन्होंने जो 3-4 आदेश जारी किए हैं अभी एकदम से इरेक्ट करना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन रिजवान भाई लेकिन जल्दबाजी तो पहले आदेश को लेकर के पहले आदेश को लेकर के फिर से जो उन्होंने जो वादे किए थे उन वचन पत्रों के अनुसार आपका आदेश नहीं है, और यही कारण है कि 20 तारीख से भारतीय जनता पार्टी को किसानों के हित में लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर आना पड़ेगा। चलिए हरिओम पटेल बता दीजिए, बहुत ढेर सारी आशंकाएं हैं आपके जो आदेश है उसमें फोर्जरी नजर आती है विपक्ष को, अब वो आंदोलन भी करने वाली है। जनता पार्टी का चरित्र रहा असल में भ्रम अफवाह फैलाने का, वो उन्होंने 15 लाख रुपए देने की बात की थी, उन्होंने 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी। हाँ तो मैं आपको उसी बात पे आ रहा हूँ, वचन पत्र पे उसी पे आ रहा हूँ कि हमारा वचन पत्र और आपके वचन पत्र में बहुत अंतर है। हम जमीनी हकीकत को देख कर वायदा करते हैं, हमने जमीनी सच्चाई देख कर लोगों से बातचीत की, हमने हर वर्ग से बातचीत की, हमने प्रत्येक समाज के हिस्सों को बुलाया, उनके पास भी गए, हमने सभी धर्मों के लोगों से भी बातचीत करने के बाद में वचन पत्र बनाया। हमने कोई जुमला पत्र नहीं बनाया जो 15 लाख रुपए दे देंगे, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, लागत से अधिक मूल्य दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने इस तरह का कोई वचन नहीं। आपने हम ये कहना चाहते हैं कि जनादेश हमें मिला है, जनादेश का हम सम्मान करते हैं, और जनादेश चेतन जी आपने कहा था कि मैं बीच में ना बोले, आपने कहा था कि मैं जब बोलूं तो बीच में ना बोलिए, तो हम जब नहीं बोले आप बीच में नहीं बोलते, नहीं नहीं घुमा के तो आप बोले और आप बीच में नहीं बोलते। चलिए आप विषय पर आइए, विषय तो आप हटे, आप छत्तीसगढ़ बीच में चले गए थे, मैं विषय पर नहीं हटाऊं, मैं अपनी बात। चेतन जी आप बीच में नहीं बोलते हैं भाई, मैं बहुत अच्छा बीच में नहीं बोलते। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरी बात सुन लीजिए, हमने पूरी निष्ठा के साथ जनता के साथ में बैठ के बनाया है और हम पूरा अक्षरस पालन करेंगे। रही बात किसानों की कर्जे माफ की, तो 3 दिन के अंदर हमने करके दिखाया, ये कोई फोर्जरी काम नहीं है कि बाद में ये कहते हैं कि जुमला है, सारी बैंकों के आंकड़े आए हैं सारे। इसके बाद हम प्रमाण पत्र बांटना शुरू करेंगे, प्रत्येक जिले में कार्यक्रम होगा, किसानों को बुलाएंगे, अगर कोई वंचित, क्योंकि देखिए पिछले 15 साल के अंदर संघ की शाखा में जाने लगे थे कर्मचारी, हो सकता है कोई कर्मचारी बेईमानी करे, हो सकता है किसी किसान को वो छोड़ दे, उस बेईमानी से निपटने के लिए भी हम एक कॉल सेंटर बनाएंगे कि अगर कोई वंचित रह जाता है किसान तो उसकी बात वहां सुनी जाएगी और उसको भी ऋण माफी का लाभ मिलेगा। हमने पूरी पारदर्शिता रखी है सारी योजनाओं में, हम पारदर्शिता लागू करेंगे। दर्शकों को एक आदेश सुना देता हूँ, आज का भी एक आदेश है, सरकार ने एक नया आदेश भी और क्लियर करने के लिए उसे एक आदेश दिया है, उसमें लिखा है कि किसानों के कर्ज माफी के संबंध में वचन पत्र में उल्लेखित सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे, जिसमें सरकारी बैंक एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत कर्ज शामिल रहेगा, के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन एदत द्वारा निम्नानुसार राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन कर रहे हैं। इसमें ढेर सारे लोग हैं, इसमें सभी बैंकर्स भी हैं, मुख्य सचिव भी हैं, अपर मुख्य सचिव भी हैं, विकास आयुक्त, कृषि विकास आयुक्त भी हैं, प्रमुख सचिव भी कृषि के, ढेर सारे लोगों को इसमें शामिल किया गया है, और मुझे उम्मीद है कि कुछ दिन तो हम इसका इंतज़ार करेंगे, फिर हम भी एक विपक्ष हैं, मीडिया है तो हम भी विपक्ष हैं, और उस पर हम भी सवाल खड़े करेंगे। क्या कहेंगे देवदत्त दुबे आप? पूरा मामला है जो राजनीतिक हो गया है, 15 साल तक सरकार में रहने के बाद भाजपा आसानी से बैठेगी इसकी उम्मीद कम है, इत्तेफाक से विपक्ष मजबूत स्थिति में, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। उधर कमलनाथ जी ने जिस तरह से काम शुरू किया है, लगता है उन्होंने जैसे नायक फिल्म देखी हो, उसी को उन्होंने फटाफट आदेश, जहां 10 दिन की सीमा थी उन्होंने चार्ज लेने की कुछ ही देर बाद, और उसका वातावरण बना प्रदेश में, क्योंकि भाजपा जब से सत्ता से बाहर हुई लगातार ये आरोप लगा रही थी खजाना खाली है, कहाँ से करेंगे ऋण माफ़ी, हम देखते हैं ऋण माफ़ी कैसे करते हैं। तो दोनों के लिए इस समय क्या है, 1 मिनट भी बैठने की फुर्सत इसलिए नहीं है कि लोकसभा चुनाव सामने सन्निकट है, ये पूरा जो सक्रियता है आरोप प्रत्यारोप की और उपलब्धियां बताने की, ये पूरा अभी जो लोकसभा चुनाव उसके लिए, आप देखिए कांग्रेस ने तो 15 सालों में एक्शन मोड में या जो विरोध की मुद्रा में है, मीडिया वाले ज़्यादा रहे, कांग्रेसी तो
छः महीने पहले या एक साल पहले आए, पहले तो स्टिक इस गोल से ली उस गोल में कर आए, कोई अटैक करने वाला नहीं था। भाजपा को बहुत खुला मैदान मिला, कम से कम 13 सालों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोई दबाव नहीं था, ना पार्टी के अंदर ना पार्टी के बाहर ना विपक्ष, और मीडिया पूरा साथ में था। तो ऐसा खुला मैदान हमें लगता कमलनाथ जी के लिए मिलने वाला नहीं है, क्योंकि भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में है, मैदान सड़क में भी सदन में भी 109 सदस्य बड़ी संख्या होती है जी, पल पल पग पग पर गति अवरोधक खड़े करेगी, हर स्टिक लड़ाने वाला हर उस पर मिलेगा इनको, कोई ऐसा पेनाल्टी शूट जैसा मौका नहीं मिलने वाला है। तो ये पूरा क्योंकि मामला अभी तो जब मई जून तक आप देखेंगे तो डाल डाल में पात पात की स्थिति है, इनको उपलब्धियाँ बताना है, क्योंकि 15 सालों में भाजपा की यदि बहुत सारी खामियां रही होंगी, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा रही होगी, जिसका वो खामियां जब भुगत चुके हैं, लेकिन उपलब्धियां कम नहीं रही, सामाजिक सरोकारों से लेकर विकास के मामले बहुत सारी उपलब्धियां रही। तो कांग्रेस को इन 2-3 महीनों में वो एक्शन दिखाना है, जो आपने बहुत अच्छा टाइटल दिया एक्शन में सरकार, कि हम काम करने के लिए आए हैं, हम काम करेंगे और तुरंत काम करेंगे, गति देंगे काम में। और वो कमलनाथ जी बहुत परिपक्व नेता है, उनसे बहुत उम्मीद की जाती है, सांसद रहे हैं और देश विदेश पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है, उनको लोकसभा में फ्लोर मैनेजमेंट के लिए भी जाने जाते हैं। जब कांग्रेस अल्पमत में थी तब भी उन्होंने सदन संभाला जी। वो बहुत मुकाबला, जो कड़ा मुकाबला जिसको आप कहेंगे खाली चुनावी मुकाबला मत समझे आप, ये सत्ता और विपक्ष का जो मुकाबला बहुत कड़ा रहेगा। और मुझे लगता है कि देश फोकस रहेगा मध्य प्रदेश पर, कि वहाँ पक्ष और विपक्ष क्या एक्शन ले रहा है, एक के बाद एक ऐसा चलता रहेगा, बिल्कुल कहीं कोई बैठने वाला नहीं है। उम्मीद है देवत, अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, चेतन सिंह आपसे शुरू करते हैं, छत्तीसगढ़ में आप कुछ कह रहे थे। देखिए रिजवान भाई, जो परिस्थितियां मध्य प्रदेश के खजाने को लेकर के आई हैं कमोबेश इस प्रकार की कोई भी परिस्थिति छत्तीसगढ़ को लेकर के नहीं है। हर सब्जेक्ट में हर क्षेत्र में सरप्लस राज्य है, खूब खजाना भरा है, हम क्यों हारे ये हमें ही समझ में नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी हारे भर रही साहब बुरी तरह से, मैं वही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, संगठन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, और हमारे सारे सर्वे और हर तरह की जो एजेंसियां हैं सारे के सारे सामाजिक सरोकार, कहीं से भी इस प्रकार के रिजल्ट की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूँ, आज फिर से कह रहा हूँ, कि राजनीति को लेकर के चुनाव परिणामों को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा अगर ये सोच ले कि अब सारे परिणाम उसके अनुरूप उसकी लिखी हुई या बनाई स्क्रिप्ट के अनुसार आएंगे, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इस हिंदुस्तान में राजनीति में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हर तरह से, चाहे विकास के मामले हों, चाहे व्यक्तिगत मामले हों, चाहे क्षेत्र के मामले हों, चाहे आर्थिक सुधार के हों, उनको भी इससे हिंदुस्तान की जनता ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी चुनाव में धूल चटाई है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को समझना, इस पर भी एक पीएचडी करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के लोगों ने क्या समझ करके हमको सरकार से बाहर किया है और क्या समझ करके कांग्रेस को सरकार में लेकर के आए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत सिंपल है, समझने की बात है, अगर समझने की कोशिश की जाए तो बहुत कुछ समझ में आता है। लेकिन चूँकि उम्मीद आपको यही थी कि एक करिश्माई नेतृत्व छत्तीसगढ़ में भी है, करिश्माई नेतृत्व मध्य प्रदेश में भी है, दूल्हा कौन होगा इसी के इर्द गिर्द चुनाव प्रचार घूमता रहा, विपक्ष समझाने में कामयाब हो गया, आप नाकाम रहे, जबकि इतना बड़ा हमला, इतना बड़ा सारा प्रचार प्रसार सब कुछ। चलिए क्या कहेंगे हरिओम पटेल, खजाना भरा हुआ है छत्तीसगढ़ का, ऐसा दावा है चेतन सिंह जी का। और सवाल यही है कि झीरम घाटी का मामला हो, चेतन सिंह आपसे ही समझ लेता हूँ, झीरम घाटी में SIT गठित की, आपने नहीं की थी, और बड़े नेता शीर्षस्थ नेता मारे गए थे, शहीद हुए थे छत्तीसगढ़ के। इसके अलावा प्रशासनिक अफसरों को भी सख्त हिदायत कि बदले की भावना से भी ये कहा गया कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रशासनिक अमले को सख्त हिदायत कि पॉलिटिकल एजेंट की तरह व्यवहार मत कीजिए। मीडिया के लोगों के से भी को भी ये इशारे में कहा मुख्यमंत्री ने कि आपके साथ भी जिस तरह की दुर्भावनाएँ थीं अब वो इस शासन में नहीं होंगी। ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जिनके असर होते हैं, चेतन आप कुछ कहेंगे? जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उन सबको समय की कसौटी पर कसेंगे तब उसका कोई प्रश्न और उत्तर बनेगा। लेकिन झीरम घाटी को लेकर के जो उन्होंने SIT का गठन किया है, निश्चित रूप से सरकार स्वतंत्र है, निष्पक्ष जाँच होना चाहिए। हम तो हर तरह के अपराधों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बचाने के खिलाफ हैं,
और खासतौर से जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति में शुचिता का पालन करती है। अगर कहीं कोई लगता है कि कोई फैक्ट पर कोई जांच नहीं हुई है, सरकार वर्तमान सरकार को लग रहा है कि उस पर कोई जांच होना चाहिए, तो निश्चित रूप से जांच करे। दूध का दूध पानी का पानी आना चाहिए। अपराधी कितने बड़े से बड़ा, कितना भी ताकतवर हो, अपराधियों को एक अपराध की सजा मिलनी चाहिए। हरिओम, जल्दी से बताइएगा सवाल मेरा आपसे। छत्तीसगढ़ में हमारी पार्टी ने जो जो हमें बहुमत मिला है, हम उसका सम्मान करते हैं। वहाँ कांग्रेस के नेताओं ने विपक्ष के साथ जो सत्ता थी भारतीय जनता पार्टी की, उसके साथ लड़ाई लड़ी है, डायरेक्ट नेट टू नेट लड़ाई लड़ी है भूपेश बघेल जी ने। और जिस तरह की जो घटनाएं हुई थी झीरम घाटी वाली, उसमें जिस तरह का जो परिप्रेक्ष्य सामने आया था, उसकी जांच भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कराई नहीं थी। और कांग्रेस सरकार बनते ही हमने SIT का गठन किया है। हम निश्चित रूप से वहाँ डबल रिपीट होंगे और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार देंगे। चलिए, नितिन चौबे भी हमारे साथ हैं, हमारे स्टेट एडिटर हैं छत्तीसगढ़ से। नितिन, क्या लगता है, सरकार ने दो दिनों में कई बड़े निर्णय लिए हैं, आप तो साक्षी थे जिस तरह से भूपेश बघेल अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी बात कह रहे थे मीडिया से, और देर तक उन्होंने मीडिया से बात की, कुछ छत्तीसगढ़िया में भी बात की, तो क्या क्या कहेंगे आप? जी, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जब शपथ ग्रहण के दो घंटे के बाद उन्होंने जो अपना वादा किया था कर्ज माफी का, वो तो जो है मध्य प्रदेश की तर्ज में यहाँ पर भी तुरंत त्वरित फैसला लिया गया। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जैसा हम पहले से चर्चा करते आ रहे थे रिजवान जी, बहुत ही आक्रामक तेवर देखने को मिलेंगे भूपेश बघेल के, जो मुख्यमंत्री के पद पे अभी बैठे हैं। तो नीचे तुरंत उन्होंने इन घोषणाओं के साथ साथ आधिकारिक भी बहुत बड़े फैसले लिए, जैसे कि मुकेश गुप्ता को साइडलाइन करते हुए जो ADG DG थे आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के और ACB के, उनको साइडलाइन करते हुए DM अवस्थी जो बहुत टाइम से बैकफुट पे पड़े हुए थे, उनको उसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इस तरह से जो प्रमुख सचिव उनने बनाया मुख्यमंत्री सचिवालय का, और जिस तरह से डायरेक्टरेट जनसंपर्क में उन्होंने परिवर्तन किए, तो एक पुलिस महकमे में मुकेश गुप्ता को साइडलाइन करना निश्चित तौर पे एक मैसेज जाता है कि मुकेश गुप्ता नान घोटाले, नागरिक आपूर्ति निगम के जो घोटाले का जो जांच कर रहे थे उसकी समिति को लेकर संतुष्ट नहीं थे। तो निश्चित तौर पे ये देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के मन में या जनता के मन में ये था कि जो जांच हुई है नान घोटाले की, या जो अधिकारियों के ऊपर दोषारोपण हुआ है और जिनको सजा मिली है, वो कहीं से संतुष्ट नहीं थे। तो निश्चित तौर पे उसके तौर पे उन्होंने ये देखा है कि मुकेश गुप्ता को साइडलाइन करते हुए जुनेजा और मुकेश गुप्ता को साइडलाइन करते हुए DM अवस्थी को उसका पद ग्रहण कर दिया है। तो ये फैसले जो इस तरह के भूपेश बघेल ले रहे हैं, ये बिल्कुल कहा जाएगा कि उनके आक्रामक हैं, जो ट्रांसफर की गतिविधियां वो कर रहे हैं और जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की जनता के हित में होंगे कि नहीं ये तो देखना होगा। लेकिन एक तरह की जो बात है, धान में उन्होंने जो रियायत दी है और जिस तरह से खरीदी आज से चालू हुई है उनकी घोषणा के बाद, ये कहा जा सकता है, हालांकि बरसात की वजह से काफी धान का नुकसान हो चुका है छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये बिल्कुल बोला जा सकता है कि किसान उत्साहित है, लोग उत्साहित हैं। और ये भूपेश बघेल के आक्रामक तेवर कितने दिन तक कंटिन्यू देखने को मिलेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के हित में कितना देखने को मिलेगा ये सोचने का विषय। कल भूपेश बघेल ने बहुत गंभीर बातें भी की, बदले की भावना से कोई काम नहीं किया जाएगा, सबको साथ लिया जाएगा, सबकी राय ली जाएगी। मीडिया के बारे में भी उन्होंने कहा कि मीडिया जिस तरह की परिस्थितियों में काम करता रहा है उसकी भी सराहना की उन्होंने। तो क्या लगता है, भूपेश बघेल जैसे अभी तो आक्रामक थे बहुत, लेकिन जैसे बड़े वो सरकारों में जब रहे हैं, दिग्विजय सिंह सरकार में रहे हों या योगी सरकार में रहे हों, बड़े गंभीर नेता के तौर पर जाना जाता था, तो क्या लगता है वो गंभीरता भी कल झलक रही थी कहीं? जी, गंभीरता तो निश्चित तौर पे परख रही थी, क्योंकि उन्होंने जब ये बात किया कि मैं पत्रकारों के हित की भी बात जानता हूँ कि पत्रकार कहीं से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हुआ है अंदरूनी रूप से, मीडिया समूह या कोई इसको दिखा पाया है कि नहीं दिखा पाया है, कहीं ना कहीं एक तरह का दबाव की राजनीति जरूर आखिरी 5 सालों में भाजपा ने की है। तो जिस तरह से पत्रकार कई शिकायतें उनके पास पहुंची होंगी या पत्रकार समूह पहुंचे होंगे या पत्रकार की हत्याएं हुई हैं या किसी तरह से प्रताड़ित हुए हैं या धमकी हुई है, तो उस लेकर भी वो स्वयं भाजपा माफ कीजिएगा कांग्रेस के संकल्प पत्र में था कि पत्रकार कल्याण बोर्ड का तुरंत गठन करेगी।
तो इस तरह की घोषणाएं उन्होंने बिल्कुल निश्चित तौर पे की हैं। नितिन, आप हमारे साथ बने रहिए। क्या कहेंगे एलएन शीतल, छत्तीसगढ़ बड़े बहुमत के साथ जीती है कांग्रेस, और भूपेश बघेल अपेक्षाकृत युवा, अगर हम मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो बेहद अनुभवी चेहरे। भूपेश बघेल के पास अनुभव नहीं है ये तो मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि वो मंत्री रहे हैं, अविभाजित मध्य प्रदेश में भी रहे हैं और फिर बाद में भी योगी सरकार में ही मंत्री रहे हैं, लेकिन एक संघर्ष मैदान पर संघर्ष, जेल भी जाना पड़ा, अब मुख्यमंत्री हैं, कैसे देखते हैं? पहले ही दिन वहाँ भी एक्शन में सरकार है। रिजवान भाई, मेरा ऐसा मानना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा अवसर हैं और कांग्रेस के पास कोई बहाना भी नहीं बचेगा अगर उसकी परफॉर्मेंस कमज़ोर रही तो, क्योंकि कहा जा चुका है कि खजाना पूरा भरा हुआ है, बहुमत पूरा है और पूरे, और भूपेश बघेल जी जो हैं एक अनुभवी नेता हैं और तेवर वाले नेता हैं, तो तेवर उनके मतलब जहाँ मध्य प्रदेश की बात आती है तो वहाँ तेवर थोड़े ढीले पड़ने की आशंका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तेवर ढीले पड़ने की कोई संभावना नहीं है, और अगर तेवर ढीले होते हैं तो कांग्रेस उसके लिए खुद दोषी होगी, कोई और दोषी उसके लिए नहीं होगा। अभी हमारे जो भाजपा के साथी हैं वो कह रहे थे कि समझ नहीं आया कि वो जहाज़ कैसे डूब गया, पानी जो है वो बहुत कम था वहाँ, समझ आ जाते तो डूबते क्यों। तो मेरा ऐसा मानना, आप भी जानते हैं इस चीज़ को जी, कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और जो कांग्रेस ने जो दाव चला कि भाई धान का मूल्य बढ़ाएंगे, तो वो और दूसरा भ्रष्टाचार की भी बहुत शिकायतें थी, तो ये दोनों कारण मैं समझता हूँ कि वहाँ कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार कई तरह के लिए पर्याप्त कारण थे। लेकिन अब कांग्रेस को जैसे ही चुनौती कांग्रेस के सामने, लोकसभा चुनाव जो है एक तरह से दोनों राज्यों के लिए बहुत ही मतलब वरदान लेके आए हैं जी जी, क्योंकि सरकारों को, दोनों सरकारों को, इवन तीनों सरकारों को बहुत फुर्ती से काम करना पड़ेगा जी। और छत्तीसगढ़ को खास तौर पे क्योंकि वहाँ प्रचंड बहुमत है तो वहाँ जनता की भलाई होगी। तो चलिए मैं आपको रोकूंगा, वक्त की कमी है। देवदत्त, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे छत्तीसगढ़ के लेकर, मैं आपकी भी। छत्तीसगढ़ में जो उन्होंने पहला एक्शन लिया है कि वो SIT गठित करने का धान वाला, तो हर कोई चाहेगा कि इतनी बड़ी घटना हुई जहां राष्ट्रीय नेता, प्रादेशिक नेता जहां मारे गए हों, तो उसकी जांच सब कोई चाहेगा, इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होना चाहिए। भाजपा को आगे बढ़कर उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वो रहस्य अभी भी है और लोग अभी भी जानना चाहते कि आखिर हमारे इतने वरिष्ठ नेता, देश के जितने बहुत योगदान है जिनका, वो कैसे मारे गए एक हादसे में। और जैसा कि अभी आप शीतल जी कह रहे थे, तो छत्तीसगढ़ में वाकई में उतनी चुनौतियां नहीं हैं। मध्य प्रदेश में जैसे कांटों का ताज कहा जा सकता है, कमलनाथ के लिए कांटों का ताज है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आपको एक हाईवे है जिस पे आप सर पर दौड़ लगा सकते हैं, और छत्तीसगढ़ वैसे भी इसीलिए एक युवा को काम का मौका दिया गया है वहाँ। जी जी बिल्कुल, राहुल गांधी जी धीरे धीरे बहुत परिपक्व नेता होते जा रहे हैं, उन्होंने जो चयन किए हैं तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां उन्होंने अनुभव को, होश को प्राथमिकता दी है, वहां छत्तीसगढ़ में उनको जोश को प्राथमिकता दी है, और यहां सचिन पायलट और ज्योतिराज सिंधिया को उन्होंने भविष्य के लिए जहां एक नेता तैयार रखा है, वहीं छत्तीसगढ़ में तो वो संभावनाएं देख रहे हैं कि अभी भूपेश बघेल ही वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, और जो 65 सीटें लोकसभा की आती हैं तीन राज्यों से, बीजेपी की अब की बार 65 पार से 68 हो गई नहीं, तो वो कैसे कर पाएंगे? अभी ये बहुत बड़ी चुनौती भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए, क्योंकि तीनों मुख्यमंत्रियों को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कसौटी पे खड़ा उतरना है, अधिकतम सीटें बढ़ाना है, और भाजपा को पुरानी सीटों को से बहुत बचाए रखना है। बिल्कुल सही। चेतन सिंह आप हमारे साथ जुड़े, देवव्रत दुबे आप हमारे साथ जुड़े, हरिओम पटेल आप हमारे साथ जुड़े, और एलएन शीतल आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही है कि सरकारें एक्शन में हैं, कसौटी पर भी हैं, एक्शन में भी है, विपक्ष की निगाह भी है, और विपक्ष एक दिन भी उन्हें देना नहीं चाहती, वहीं सरकार भी रुकना नहीं चाहती, तत्काल एक्शन लिए, तत्काल काम शुरू किए, आने वाले कुछ दिनों में कुछ और नए एक्शन देखने मिलेंगे। और अब इतना तो तय है कि किसानों के लिए ये राहत बड़ी खबर है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, आगे भी ऐसा जारी रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए निगाह सबकी मिशन 2019 पर ही। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत।